हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का चैप्टर 3, दैट इज़ नोन एज पर्सनलाइजिंग द विंडोज़ 10 एनवायरनमेंट। पर्सनलाइजिंग का मतलब क्या होता है? पर्सनलाइजिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपने तरीके से ढालना, अपने तरीके से चेंज करके रखना, अपने तरीके से रखना, ठीक है? जो उसका कलर, उसका बैकग्राउंड, हर चीज़ को, ठीक है? अब किसको पर्सनलाइज करने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं? विंडोज़ 10। ओके, तो व्हाट इज़ विंडो 10? पहले आपको ये पता होना चाहिए। आई गेस आपने हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा व्हाट इज़ विंडोज़, राइट? सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर में, मैक्सिमम हर कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, ठीक है? सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैज़ मैनी वर्जन्स। सम ऑफ द पॉपुलर वर्जन्स ऑफ विंडोज़ आर, कौन कौन सी पॉपुलर वर्जन्स हैं जो सबने सुना होगा? विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। और विंडोज़ 10 आपकी क्या है? लेटेस्ट वर्जन, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, उस पर इस तरीके का विंडोज़ 10 का लोगो बना होता है इस पिक्चर, ठीक है? और जब वो ऑन होता है तो आप अगर उसमें, अगर आपने पर्सनलाइजेशन नहीं किया हुआ तो ये आपको अपनी वॉलपेपर पे दिखाई देता है। और जो ये वॉलपेपर भी आपको दिखाई देता है, वो स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, जिसके ऊपर हमारे, जिसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ आइकन्स एंड टास्क बार। टास्क बार आपको पता है जो एकदम बॉटम लाइन में होता है, जिसके अंदर टास्क जो भी आपने ओपन कर रखी होती है फाइल, वो आपको मेंशन होती है। और आइकन्स जो आपके डेस्कटॉप पे जो जितनी भी फाइल्स होती हैं उसके छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, छोटी छोटी टैग फिगर्स बनी होती है, दैट इज़ नोन एज आइकन्स, ठीक है? तो ये विंडोज़ 10 किस कंसिस्ट ऑफ? डेस्कटॉप, आइकन्स एंड टास्क बार। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ पर्सनलाइजिंग ऑफ विंडोज़ 10 PC हैज़ टू बी चेंजिंग इट्स अपीयरेंस। तो पर्सनलाइजिंग विंडोज़ 10 को पर्सनलाइज करने का मतलब क्या? उसकी अपीयरेंस को चेंज करना, कि वो कैसा दिखता है, उसको चेंज करना अपने तरीके से, पर्सनलाइज करना, पर्सनल बनाना, राइट? दे आर क्वाइट अ फ्यू वेज ऑफ चेंजिंग हाउ योर विंडोज़ 10 कंप्यूटर लुक। दे बहुत सारे वेज होते हैं चेंज करने के। उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, उसकी फॉन्ट चेंज हो जाएंगी, जिसमें आइकन्स टास्क बार में जो आपकी जो बने हुए हैं आइकन्स, बने हुए हैं आइकन्स के नीचे जो उसका नाम लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? दैट इज़ वाई देर आर क्वाइट अ फ्यू वेज टू चेंज हाउ योर विंडोज़ 10 कंप्यूटर लुक्स। बट द फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप होता है ऑफ ऑल ऑफ देम, इज एक्सेसिंग द पर्सनलाइजेशन सेटिंग। अब पर्सनलाइज करने के लिए कहीं किसी सेटिंग पे तो जाना ही होगा, राइट? जैसे आप अपने किसी फ़ोन में भी कोई सेटिंग करते हो तो उसमें भी आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है। आपको कुछ अपडेट करना है या आपको उसको कुछ वॉलपेपर चेंज करना है, सबसे पहले कहाँ जाना होता है? सेटिंग पे। ऐसे ही कंप्यूटर की पर्सनलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको किसको एक्सेस करना पड़ता है? पर्सनलाइजेशन सेटिंग को। सो ओपन द पर्सनलाइजेशन सेटिंग कैसे करते हैं आप देखना। टू ओपन द पर्सनलाइजेशन सेटिंग फॉलो एनी ऑफ द मेथड। अब आपके पास काफ़ी सारे मेथड है, उसमें सबसे पहला मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है, सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन दबाना। आपको पता है स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है, राइट? उसके बाद आपने क्या करना है? क्लिक ऑन द सेटिंग ऑप्शन। आपके उसमें सेटिंग ऑप्शन पे जाओगे, उसके अंदर आपका पर्सनलाइजेशन ऑप्शन होगा। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये सेटिंग ऑप्शन है, ओके? ये सेटिंग ऑप्शन आपने खोला, उस पर पर्सनलाइजेशन की सेटिंग आपने खोली। तो जैसे ही आप खोलोगे, पर्सनलाइजेशन की एक विंडो अपीयर हो जाएगी। और अभी सिर्फ हम आपको क्या बता रहे हैं कि पर्सनलाइजेशन सेटिंग कैसे ओपन करनी है। अगर आपने स्टार्ट बटन पे जाके, सेटिंग में जाके पर्सनलाइजेशन नहीं खोला, तो इसका एक और तरीका है कि अपने ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप पे, जहाँ पे आपका कोई आइकन या डेस्कटॉप पे कोई आइकन या कुछ भी नहीं है, वहाँ पे आप माउस से क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप। और जब ब्लैंक एरिया पे आप जो राइट क्लिक करोगे, क्लिक ऑन द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन, उसमें आपका आएगा, जब राइट क्लिक करोगे, पर्सनलाइजेशन ऑप्शन। उस पर्सनलाइजेशन ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर से आपकी क्या ओपन हो जाएगी? पर्सनलाइजेशन सेटिंग। ओके, तो जो द पर्सनलाइजेशन विंडो विल अपीयर, पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयर हो जाएगी, और इट अलाउज यू टू
क्या क्या चीज़ें अलाउ करती है, क्या क्या चीज़ करने में हेल्प करती है। सेट द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड हेल्प करती है सेट करने में। चेंज द कलर स्कीम यूज थ्रू आउट द विंडो, कलर थीम, जैसे आपके फ़ोन में भी कुछ थीम्स होती हैं, नाइट थीम होती है, डार्क थीम होती है, डे थीम होती है, ये सारी थीम्स, काफ़ी सारी थीम्स होती हैं, वो थीम भी चेंज करने में हेल्पफुल होती है जो थ्रू आउट विंडोज़ काम करती है। आप कोई पिक्चर खोलोगे चेंज करने के बाद तो वो थीम आपको उसमें भी दिखाई देगी, विंडो वीडियो खोलोगे तो उसके भी आसपास जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड में आपको उसकी कलर थीम दिखाई देगी, बिल्कुल वैसे ही। उसके और क्या हेल्प करती है पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइज द विंडोज़ 10 लॉक करती है, कस्टमाइज़ करती है विंडोज़ 10 की लॉक स्क्रीन एंड चेंज करती है द विंडोज़ 10 की थीम, चेंज द अपीयरेंस ऑफ स्टार्ट मेन्यू, एवरीथिंग। ठीक है बच्चों, थैंक यू आज के लिए।